हेलो गाइस, क्यूट बेबी मोना के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ कुछ जानकारी शेयर करना चाहूँगी। देखो गाइस, 5 महीने का बच्चा है ये और इसने बोतल पकड़ के खुद से दूध पीना शुरू कर दिया है। बच्चे के लिए जायफल कहाँ फ़ायदेमंद होता है? तो गाइस, जैसे कि सभी माएँ जानती हैं, जायफल देने से बच्चे को अपच, दूध पलटने की समस्या या वीक डाइजेशन जब हो जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में हम बच्चे को जायफल देते हैं। और बड़ों के लिए ये एंटी इन्फ्लेमेंट्री का काम करता है। जैसे जिन लोगों को मांसपेशियों में दिक्कत है या फिर गठिया बाय जैसी समस्या है, तो जायफल का सेवन करने से वो समस्या दूर हो जाती है। गाइस, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये जायफल है और जायफल को मैं सौंफ के साथ मिला के पीस देती हूँ। मिक्सी में इसे बारीक पीस लेते हैं। ये जायफल और सौंफ हमने छोटी डिब्बी में रख लिया है। देखिए, ये जायफल और सौंफ पीसने के बाद ऐसा दिखता है, थोड़ा दरदरा ही पीसें इसे। गाइस, हम जायफल का दूध तैयार कर लेते हैं। इस दूध में हम एक चुटकी जायफल मिला देते हैं ताकि बच्चे को अपच और वीक डाइजेशन जैसी समस्या ना होए। देखो गाइस, बच्चा जायफल का दूध पी के कितना एनर्जेटिक फील करता है। मोना कितनी एनर्जेटिक हो रही है, कितनी खेली खेली कर रही है और किलकारी मार रही है। गाइस, क्यूट बेबी मोना के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दें और लाइक भी कर दें।